बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नई अपडेट में खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। और यहाँ पर आपको बताते चले कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद के हवाले से बड़ा मामला मंज़रे आम पर आ गया। आपको बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके हवाले से उनके वरासा कौन होंगे, किन के दरमियान में जायदाद का और दूसरी चीज़ों का बंटवारा होगा, नादरा ने उनके वारिसैन के हवाले से भी नई इतला दे दी है। आपको बताएंगे इस अपडेट में। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। खवातीन हज़रात, आपको बताएं कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये बात सामने आई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो सही वारिस हैं उनकी जायदाद के, उनके नामों में से जो बड़े नाम सामने आए हैं उसके अंदर उनके बेटे का नाम आया है, उनकी बेटी का नाम सामने आ गया है दुआ का, और इसी के साथ साथ जो उनकी तीसरी बीवी हैं और तीसरी अहलिया दानिया का जो नाम है वो सामने आया है। आपको बताते चलें कि दानिया का जो तलाक का मामला था, खुलाक का मामला था, वो फ़िलहाल के लिए कोर्ट के अंदर ही मौजूद था। उसका कोई ऐसा जवाब नहीं नज़र आया था कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि वो उनकी जायदाद की वारिस नहीं है। फ़िलहाल के लिए नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक तीन वरासा सामने आए हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी, चैनल से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।